ससुर की बड़ी, तो बहू का ख्याल रखना ससुर की जिम्मेदारी है, सास की भी, क्योंकि सास का अधिकार कट गया बहू के आते। लड़ाई का कारण यही तो है, इतने दिन हुकूमत थी, सास चाहती आती हुकूमत करूंगी और बहू आ क्या सोचती है, घर छोड़ के आई हूं, बाप ने इतना दिया है, क्या समझती हूँ, बाप ने हुकूमत करूंगी, घर नहीं चलते। अब बहू की इतनी उतावड़ा पड़ा है, वो आज ही सास बनना चाहती है और वो भी अपनी सास के साथ बनना चाहती है। सास कहती मैं ऑलरेडी सास हूं, चाबियों के छल्ले की लड़ाई और कुछ नहीं, किसकी कमर में फंसी जाएगी, कौन दू जीवती तो बात को नहीं कहते, दरी कौन दू, मरे पास के साथ ले जाएगी, बता मरिया पास है, मैंने देखना जाना ना तुम्हारी कौन थी साथ। अब उस सास की सेवा कौन करेगा, बेटी करेगी बहू करेगी, बहू करेगी, बुरा मत मान, आपकी बहू आपका लाड नहीं करती, कोई बात नहीं, हरि की कृपा नसीब नहीं करती, लेकिन आप तो माँ हो, आप कर लो लाड इसका, कितने दिन देख के नहीं करेगी, ये मेरे सिस्टर बैठे हैं, ये रोज गलती करते नहीं करते, क्योंकि पहली दूसरी का बच्चा तो एक दूसरे का सिर फोड़ेगा, नहीं फोड़ते बताओ, फोड़ेंगे तो हम इनकी बराबरी कर रहे, गुरु है वो, नहीं कर सकते ना, तो इनका त्याग कर दे, न्यारा कर दे इनको, कर दे बता दो, नहीं कर सकते, धमका सकते हैं, डांट सकते हैं, जब ये रोएंगे तो इनको छाती के कोर लगाएगा, नहीं लगाऊंगा तो ये बहुएं रोते इनको छाती के कोर लगाएगा, आप ही लगाओ, लेकिन नहीं लगा सकती, इतना लंबा घूंघट निकालोगी, बहू को ससुर मान लोगी, बेटी थोड़ी मानोगी, बहू को देख के घूंघट खींच लोगी जैसे ससुर जी आ गए, करती हो नहीं करती हो, ये गलती है। फिर कह रहा हूं आपके पास बहू का और सास का दोनों का अनुभव है, बहू के पास केवल बहू का अनुभव है, मूर्ख है वो, लड़कपन बोल रहा हूं मैं, चक्रवर्ती महाराज ने लड़कपन शब्द काम में लिया है, बहू लड़किनी बधु लड़किन शब्द बोला है रामायण ने, लड़कपन में है वो, मूर्खा है, उसके पीछे मत जाओ, लेकिन तुम तो उम्र पा चुके ना, तुम तो ज्ञानी हो ना, फिर तुमने उसकी बराबरी कैसे, गर्म लोहे को गर्म लोहे से टकराओगे ना तो दोनों को नुकसान होगा, गर्म लोहे को ठंडे से काट कर देखो गर्म कट जाएगा, नहीं कटेगा, आप दोनों ही गर्म होते हैं कैसे काम करेगा, तो मेरे परिवार में, मेरे इस परिवार में जब गुरु गर्म होते हैं शिष्य ठंडे हो जाते हैं, गुरु अपने आप कट जाते हैं, गलत कह रहे हैं, और जब शिष्य गर्म होते हैं तो गुरु जी ठंडे हो जाते हैं, कर ले थोड़ी देर तुम भी ना चलेगा, ये कह देता अभी मेरी बात समझ नहीं आई, बात ठंडो नहीं जाने उसके सामने क्या करे, डिस्को तो करना नहीं है। भाई तो ठंडा होना नहीं जानता, किसी स्वभाव में पड़ गया वो ऐसा ही करेगा। कल परसों मैंने एक बात कही थी, सही के साथ तो सही सभी रहते हैं, जो गलत के साथ सही रहे उसी को तो कहते हैं। भगवान ने ऐसी परिस्थिति दी आपके पास पैदा की, इसका मतलब आप कुछ बनाना चाहते हैं। निंदक नेरे राखी आंगन पुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभान। जब तक कोई निंदा करने वाला नहीं मिलेगा, कोई बुराई करने वाला नहीं मिलेगा, तब तक भी बुराई दूर कैसे होगी बताओ। कुंती भैया ने भगवान से एक चीज मांगी थी, मेरे को जितना दुख दे सको उतना दे दो, क्यों दे दो, लोग कहते मेरे को सुख दे दो, कुंते ने कहा मेरे को दुख दे दो, दुख क्यों मांगे उसको, ताकि वो प्रभु को भूल न सके। यदि आपकी बहू आपको ताने मारती है, आपको सताती है, आपको पीड़ा पहुंचाती है, भगवान को धन्यवाद दो कि ऐसी बहू मेरे को दे दी, किसी और को नहीं। सच बोल रहा हूं,
भगवान को रोज ये कहो कि प्रभु ऐसी बहू आपने मेरे को दे दी, किसी और को नहीं दी, बहुत अच्छा किया। पहला आपका ये कर्तव्य पूरा होगा, एक संत स्वभाव बन जाएगा आपका, और दूसरा आपको प्रभु याद आते रहेंगे, प्रभु ये क्या दे दिया मेरे खिलौना। आते नहीं आते बताओ, हर चीज को सकारात्मक सोचो। ये पीढ़ी तो यही कहेगी नकारात्मक कभी मत सोचो, बुराई का अंत होगा निश्चित, एक ना एक दिन होगा, चाहे कितना ही कठोर हो बुराई का अंत निश्चित होके रहेगा। अपने कर्तव्य मत भूलो। हम लोग करते क्या है, जो प्यार से बोलते उसे प्यार से बोल लेते हैं, जो गुस्से से बोलता उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। ये गलत है, रिश्ता मत तोड़ो। यदि सामने वाला गलत है, गालियां बकता है, फिर को मालूम आपकी वो आपके साथ कैसा व्यवहार है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कहना नहीं चाहिए था। हम लोग चाहें कि तो बोलती एक मिनट में बंद कर सकते हैं, पावर है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम करते नहीं है, क्योंकि उसमें आपका हित छिपा हुआ है, इसलिए उसकी बोलती बंद करते नहीं। हम चाहते उसको बोल रहे, क्योंकि अपना प्रारब्ध काट रहे हैं। उस बेचारी को मालूम नहीं कि मैं कौन सा पाप कर रही हूं, कौन सा अपराध कर रही हूं, बोले नहीं। लेकिन आप तो ज्ञानी है, आप उम्र पाई है, आप उसकी बातों का इतना विचार क्यों करते हो, किसको कहेंगे, किसको सुनाएंगे, बताओ। ये मेरे शिष्य मेरे को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, बताओ। मैं क्या केवल उनकी स्तुति सुनने के लिए हूं, भाई गुरु हूं तो केवल उनकी स्तुति सुन लो। जब इनका दिल भरेगा उससे भड़ास आएगी, किसको निकालेंगे, किसको सुनाएंगे, बताओ, किसको सुनाएंगे, मेरे को सुनाएंगे। केवल पकवान से पेट नहीं भरता, यदि भरता तो सब्जी नहीं बनती। बनाते हो नहीं बनाते, आप कह दो महाराज कोई सब्जी से भी काम नहीं चलता, लेकिन आपको तो नहीं कहूंगा कि चलने दो जैसा चल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन बुरा ही काम था। प्रभु चाहते हैं तो रावण को पंचवटी में सलटा सकते थे, फिर सीता मैया को क्यों 11 महीने तक उसकी कैद में रखा, बताओ। क्योंकि जब तक घड़ा भरता नहीं है उसको फोड़ते नहीं, बाकी फूटता जरूर है। बहू को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, उसको मालूम नहीं है ना किसको क्या कह रही है, ये उसकी मूर्खता है। और बहू ही बैठी है, आपकी बहू की बात नहीं है, और बहू ही बैठी है। उस पागल को ये मालूम नहीं है कि वो किसको क्या कह रही है। पति कौन होता है, पति को क्या मानती है आप, परमेश्वर मानती है। पति के साथ परमेश्वर शब्द जुड़ा हुआ, उस पति के माँ बाप क्या हुए, परम परमेश्वर हो गए वो। रामायण के मुताबिक पति गुरु है, तो उस गुरु के माता पिता क्या हुए, दादा गुरु हो गए। अपमान किसका कर रहे हो, इसीलिए इस मृत्यु लोक में दुख भोगती हैं, कष्ट भोगती हैं। सीता बनना आसान नहीं है, लेकिन फिर कहूंगा मैं बहु कुदंडता की तरफ मत जाओ, क्योंकि उनमें भगवान ने बुद्धि दी है। जैसी जामे बुद्धि है तैसी कह बनाए, ताको दूसरे दीजिए, लेन कहां से जाए, बाजार में नहीं मिलती है बुद्धि, ये तो खरीद रहे हैं 2-4 किलो बांट दे सबको, नहीं मिलती है। दुखी मत हो, हरि प्रसाद समझो, आपके साथ जो हो रहा है उसको हरि प्रसाद समझो। ये आपके किसी न किसी पूर्व जन्म के कृत्य का परिणाम है कि आपको ऐसे इंसानों के बीच में रहना पड़ा। आपके दुख से परिचित भी हूं और उसको मैं स्वीकार भी करता हूं। विभीषण को याद कर लिया करो, ये पीठ विभीषण को ही समर्पित है। रामधर्म का हित तो हमने विभीषण को बनाया, आपने जो प्रश्न किया या मैं यही कहूंगा, प्रभु ने खुद ने कहा था विभीषण से, बरु भले पास नरक
भगवान ने कहा था भैया दुष्टों के साथ रहने का अवसर दे उससे अच्छा है विधाता नरक में ही डाल दे। ये प्रभु के शब्द हैं विभीषण को कहे हुए। दुष्टों के साथ रहने का अवसर दे उससे बढ़िया है विधाता नरक में ही डाल। मां की तकलीफ समझ सकता हूं लेकिन इंतजार करो प्रभु सुनेंगे। और एक ने एक दिन जब तक आप सामने गलती नहीं करोगे तो एक न एक दिन एक हाथ से ताली बजती नहीं है। एक न एक दिन आपकी सुनने वाला वहां पर पहुंचेगा और आपकी बहुत को जवाब मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने कानून हाथ में ले लिया तो फिर हम भी कुछ नहीं करते, हमारी सरकार भी कुछ नहीं करती, क्योंकि दोषी तो आप दोनों। अब मेरी ये पहले क्या कह दूं, तो ये बैठे नमूने ये दोनों लड़के मेरे पास आएंगे एक दूसरे का सिर फोड़ के आएंगे तो आते इनको मोर कूट लूं किसी एक को कूट लूं, काम हो ही गया फिर बराबर ना लो। हाँ बस तो बचा गया कुछ नहीं बचा। अब एक कूट लेता तो दूसरे को मैं कूट देता, दोनों कूट के आए तो बताओ क्या फैसला करेंगे, फैसला तो करके आए तो ये एक कूट रही है कूटती रहे। उससे अगली बात देखो आप, जनक जी ने जो बात कही थी दशरथ जी को चलते समय कि बहु मानो मैं मानो इनको अपनी सेविका मानो, ये कहा था पिता ने सीता मैया के पिता महाराज ने ये कहकर विदा किया था इनको बहु मानो मैं मानो सेविका मान ले नौकरानी मान लो कि दासी और आ गई क्या। दासियों के ढेर होते थे राजमहलों चार दासी होते थे। अब महाराज दशरथ ने उनको किस रूप में स्वीकार किया ये देखो आप। वो कहते हैं अपनी रानियों से रणिवास से आदेश जारी कर दिया उन्होंने, फतवा फरमान जारी कर दिया, कहा बधू लड़कीनी पर और ये घर आज इनके लिए पराया पर घर कल को तिनका हो जाएगा फिर तो तुम सासू ससुर बाहर निकलो ओड़े हो जाओ अंदर क्या काम तुम्हारा बाहर। अभी अभी पराया तो इनको कैसे रखना, कैसे रखना है बहू को कैसे रखना है, क्योंकि महाराज तो जाएंगे नहीं औरतों में, महाराज तो बाहर रहेंगे अपने काम में रहेंगे, तो महारानी को रखना है कैसे रखना है। जैसे पलक आंख को रखती है कुछ भी आने लगता है तुरंत बंद हो जाती है नहीं होती, ऐसे रखती इतने लाड़ सड़ती। यदि कभी कोई गलती कर दे इनसे कोई अपराध हो जाए तो इनको कुछ नहीं कहना है हमें, सही बात सहमत हूं आपकी बात से, बहुओं को भी सास को लाड से ही रखना चाहिए बिल्कुल सही सहमत हूं। बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ी तो सासू ही है ना, तो क्या वो कभी बहू नहीं थी, थी लेकिन जो बहू आई वो सास थोड़े बढ़ गई वो तो बहू ही है भी। अरे सासों के पास दोनों का अनुभव है,
उसके पास बहू का ही अनुभव है, सास का, दोनों का अनुभव उसके पास, बहू के पास केवल बहू का अनुभव है, तो गलती करेगी। सबसे बड़ी कमी कहां के बढ़ती है बताऊं क्या? जहां बेटी और बहू में फर्क होता है, एक ही गलती बेटी करती है, वही गलती बहू करती है। बेटी करती है तो मां चुप रहती है, और बहू कर लेती है तो बाजा बज जाता है, गर्भांत टूटते हैं। और उसी के लिए दशरथ जी ने कहा था, यदि ये गलती करे इसको नहीं कहना है, मेरे को कहना है, जवाब मैं दूंगा। गलती कैसे? पुरुष कभी स्त्री का विरोधी नहीं था और न कभी हुआ। बहू या बेटी से पूछो कि कभी ससुर ने इनको गाली निकाली गई, कौन निकालता? सास निकालती, ससुर तो कुछ नहीं कहते, मौन की मूर्ति है। बोलो, ससुर तो मौन की मूर्ति है, कुछ नहीं कहेगा। कहेगा कौन? कहेगा सास, कहेगी। अधिकार सास पे, एक औरत होकर औरत की विरोधी हो रही है। अरे पुरुष औरत का विरोध होता, समझ में आता? अब यहां उस आदमी की गलती क्या है, मौन की मूर्ति क्यों बना? जिस वक्त अग्नि के सामने कन्या और कलश का दान हुआ, कलश को किसने स्वीकार किया? औरत ने किया, आदमी ने किया? कलश कौन लेके आया? सास लाई, ससुर लाया? ससुर लाया। तो बहू की जिम्मेदारी सास की बनी, ससुर की बनी?